हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कल रात को थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग, तो सो गए थे आके। सो आज का व्लॉग चित्रकूट फॉल जा रहे हैं, फिर वहाँ से घर जाएंगे वापस। तो होपफुली आपको एक अच्छा सा व्लॉग मिलेगा चित्रकूट का, जो कि बहुत फेमस वाटरफॉल है छत्तीसगढ़ का और पूरे वर्ल्ड में भी फेमस है। तो चलते हैं, पहली बार जा रहा हूँ मैं दोस्तों के साथ, एंड एन्जॉय करते हैं और व्लॉग बनाते हैं। आजा। सो गाइस, रूम से निकल रहे हैं अभी और चित्रकूट वाटरफॉल जा रहे हैं, एंड थोड़ा लेट हो गए हैं, 10:30 हो गए हैं अभी। अर्ली मॉर्निंग जाने का प्लान था। क्यों अर्ली? अर्ली मॉर्निंग था, ये सब थके हुए थे ना, इसलिए उठ नहीं पाया। सुबह नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे हम लोग। फिलहाल तो रूम से निकल रहे हैं, तो भाई लोग बहुत देर से गाली दे दे के वेट कर रहे हैं। कौन सी गाली दे दी हो? ये सोन पापड़ी खा रहे हैं। सोन पापड़ी खा लो फ्रेंड्स। हेलो। गाइस, हम लोग अभी जगदलपुर में और खाना खाने के लिए बहुत अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं। अगर आप लोग भी जगदलपुर में रहते होंगे तो बता देना, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वहीं पे खाएंगे। हाँ, ये इसको मैं रखा हूँ अपने लिए, मैं कुछ भूल जाता हूँ तो ये बताया बताता है पीछे से। इसको फॉलो कर लेना इस बार, दूसरी बार नहीं करेगा आप लोग। हेलो गाइस, मेरे चैनल में जाके आप 1 से 6 रील्स देख सकते हैं। चैनल नहीं हो, पेज पे जाके बहुत सारे रील्स देख सकते हैं, बहुत सारे लोकेशन देख सकते हैं। चैनल एक, उसके अंदर आने वाले लोग अनेक, उनकी आइडिया अनेक। देख लो, बहुत सारे लोग को फॉलो कर रहे हैं आप लोग को, उसके पहले मेरे को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, चित्रकूट वाटरफॉल पहुंच गए हैं और ठीक है, फाइनली देखते हैं कि कैसा होता है वाटरफॉल। वॉक करके जाना पड़ता है, वॉकिंग डिस्टेंस में है। दे तो क्या खा रहे हो? समोसा। और काफी यहाँ पे शॉप्स भी, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। चित्रकूट वाटरफॉल एक्चुअली ये हमारे छत्तीसगढ़ में जो वाटरफॉल्स जो होते हैं ना, उसमें से एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है ये। एंड यहाँ पे फर्स्ट टाइम आने का बहुत एक्साइटमेंट भी है, तो इसी का एक्साइटमेंट है तो उसी के लिए देखते हैं। पर हम लोग थोड़ा लेट हो गए एक्चुअली,
12:30 हो गए मेरे ख्याल से ना, थोड़ा टाइम हो गया। हाँ 12:30 हो गए, थोड़ा जल्दी आते अर्ली मॉर्निंग सनराइज देख पाते, बट उठे ही नहीं पाए हम लोग, तो कैसे करें। काफ़ी शॉप्स भी हैं यहाँ पे जो कि छत्तीसगढ़ के ट्रेडिशंस को हाईलाइट करती हैं, तो उसको देख के भी अच्छा लग रहा है। और एक मंदिर भी है यहाँ पे, हम आ गए तो आपको दिखाता हूँ मंदिर। मंदिर भी है एक शिव जी का, और वाटरफॉल इस मंदिर के जस्ट पीछे है। चलिए वाटरफॉल देखें फिर। आपको जैसे मैं बता रहा था कि फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया हूँ, और बात ऐसी है कि ये जो नदी है इंद्रावती नदी है जिस पर ये पूरा वाटरफॉल है यहाँ पर काफ़ी टाइम से। और अगर आप जगदलपुर से आते हैं तो 40 किलोमीटर्स का रास्ता है जगदलपुर से, एंड रायपुर से आएंगे तो 273 या 275 किलोमीटर्स का रास्ता पड़ेगा आपको। दोस्तों ये 90 फीट का जो वाटरफॉल आप देख रहे हो ऊपर से नीचे, ये 90 फीट की इसकी हाइट है जो ये गिर रहा है ऊपर से नीचे। और अगर आप ठंडी में आएंगे तो इसका पानी जो होता है थोड़ा सा रेडिश हो जाता है, और गर्मियों में थोड़ा सा लाइट कलर रहता है जो कि अभी हमको देखने को मिल रहा है। सो गाइस नीचे बोटिंग भी कर रहे हैं काफ़ी लोग, तो हम भी सोच रहे हैं कि जाएं और बोटिंग का मज़ा लें और चलते हैं, क्योंकि बोटिंग जब होती है तो नीचे तक आओ पास तक लेके जाते हैं, तो वो देखना चाहता हूँ कि कैसा फील होता है। तो चलते हैं गाइस बोटिंग करते हैं और आपको एक अच्छा सा वीडियो दिखाते हैं। यही वो जगह है जहाँ से पूरा वाटर आता है, और यहाँ पे जस्ट नीचे में वाटरफॉल है, और यहाँ पे अभी पानी कम है तो हम लोग आ गए, वरना आने मिलता नहीं है, क्योंकि वाटरफॉल यहाँ से 90 फीट का है जो मैंने आपको बताया। तो यही वो जगह है जहाँ पे अगर हम बारिश के टाइम पे आएंगे तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे आने की जगह मिलेगी नहीं। रेनी सीजन में आप बिल्कुल नहीं आ सकते यहाँ पे, क्योंकि अभी आप देख लो मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पे अभी पानी नहीं है, जो आ रहा है पानी ये आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से डायरेक्ट वाटरफॉल पे जा रहा है। तो सही टाइम पे आ गए हो, समर पे आओगे तो आपको यहाँ तक आने मिलेगा। एंड जो पानी का जो तेज़ी है बहुत तेज़ है पानी, अगर आप इसमें कोशिश करोगे जाने की तो मेरे ख्याल से नीचे ही जाओगे और बचोगे नहीं। तो टेक केयर करो अपने लिए, और ज़्यादा रिस्क भी मत लो, एंड जो ब्यूटी है यहाँ की बेस्ट है मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, तो गाइस एंजॉय। सो गाइस अब आए हैं इतनी दूर तो अंडर वाटर मोबाइल का भी टेस्ट कर लेते हैं। सो ये पानी में जाएगा मेरा मोबाइल। आवाज भी आ रही है कि नहीं पता नहीं। सो गाइस आवाज आ रही है क्योंकि कैमरा तो ब्लर हो गया है। हाँ थोड़ा साफ हुआ।
वहीं पे बोट है, कहाँ है बोट, वो है बोटिंग, तो बोट्स वहीं पर है, तो हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या हमको एंजॉय करने को मिलेगा, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं और काफ़ी सामने तक लेके भी जाते हैं यहाँ पे। सर भी बता रहे थे, सर सर आप पहली बार आ रहे हैं, ठीक है आ जाओ। हम लोग आ गए हैं नीचे, सामने में बोटिंग का हम लोग जाएंगे अभी, पता कर रहे हैं, और पीछे वाटरफॉल है चित्रकूट का जो हमने आपको ऊपर से दिखाया था। सो चलते हैं, बोटिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं और देखते हैं कि कितना मज़ा आता है। हाँ तो दोस्तों, हमने अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ली हैं और बोटिंग करने के लिए रेडी हो गए हैं, चलो हम तो चलिए चलते हैं। बोटिंग करते करते हम लोग बहुत आगे तक आ गए हैं, आप देख सकते हो पीछे जहाँ से पानी गिरता है, पानी जो गिरता है वो थोड़ा आगे है, जस्ट आगे में ही है, और यहाँ पे पीछे जो पत्थर हैं बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं, बहुत ही बड़े दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बाहुबली मूवी में आ गए हम लोग, कि यहाँ से बस झरना गिरेगा और लगेगा कि अभी कुछ शूटिंग होगी, बट बहुत अच्छा व्यू है। और हम पानी के बीच में जाएंगे अभी, होपफुली मैं शूट भी कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव है पानी का, तो कोशिश करूँगा और शूट भी कर पाऊँ। और बाकी हम सब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, ये स्वरूप है, पीछे सलीम है, बंजारे जी हैं, और ये आदर्श है, और ये भाई कौशिक जी हैं, तो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। अभी कुछ बोल नहीं रहे, चुप करके बैठाए हूँ, वरना बहुत हल्ला कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि मेरे को भी इन लोग वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं, वरना चलते गए, बस पानी भी आगे आ गए, तो चलें। तो गाइस चित्रकूट वाटरफॉल जरूर आए, जरूर आए चित्रकूट वाटरफॉल, बहुत मजा आया, हम सब बीक गए बट बहुत मजा आया पास से जाने में गाइस। बोटिंग कर लिए, बहुत मज़ा आया, ज़रूर आना बस्तर, अगर आप आते हो तो चित्रकूट वाटरफॉल तो ज़रूर आना, क्योंकि पास जाने के बाद जो फील आता है ना वो कैमरे में भी नहीं है, वो असली में ही है, क्यों यार स्वरूप एकदम, तो ज़रूर आना आप लोग। आप अगर छत्तीसगढ़ में रहते हैं
तो बिल्कुल आइएगा बस्तर, और बस्तर में आके आप ये चित्रकूट फॉल्स का जरूर मजा लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल यार। Oh, yeah.